सब्सक्राइब करें मेरे चैनल माय डीआईवाई हब को और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय डीआईवाई हब। आज के मेरे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप ग्लो सीरम बना सकते हो समर्स के लिए। जी हाँ, गर्मियों के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक ग्लो सीरम बनाओ जो कूलिंग इफेक्ट दे और आपके स्किन को भी सूद करे। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप समर्स के हिसाब से ग्लो सीरम बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है घर पे ही बनाना। इंग्रीडियंट्स काफ़ी सिमिलर है, बट मैंने समर्स के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ताकि आपको ठंडक महसूस हो। आइए देखते हैं समर फ्रेंडली ग्लो सीरम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने लिया है एलोवेरा जेल। आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, पर इस रेमेडी के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोई क्लियर जेल का यूज करें जिसमें कोई भी रंग या एडेड कलर ना हो। आजकल मैं ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल प्रेफर करती हूँ यूज करना, क्योंकि पतंजलि वाले में बहुत ज़्यादा स्मेल और कलर डला हुआ होता है, तो ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है। अगर आपको ऐसा क्लियर एलोवेरा जेल खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। अगला मैं यूज कर रही हूँ खीरे का जेल यानी क्यूकम्बर जेल। क्यूकम्बर जेल बहुत ही कूलिंग होता है और ये आपके स्किन को सूद करता है। परफेक्ट है ये समर्स में यूज करने के लिए। मैं इस सीरम को बनाने के लिए दोनों एलोवेरा जेल और क्यूकम्बर जेल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है केसर या सैफ्रन लीव्स। ये बहुत ही अच्छा फेयरनेस इंग्रेडिएंट है। इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन टोन लाइट हो जाएगी और चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लगेगा आपका। मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सैंडलवुड ऑयल। आप सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मुझे पता है ये काफी महंगा आता है, अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। और अगर आपको खुद घर पे बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एसेंशियल ऑयल्स बनाना सिखाया है, उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को रेफर करें। लास्टली मैं इसमें डालूंगी मिंट एसेंशियल ऑयल। यहाँ पे मैं अरोमा ट्रेजर्स का पेपरमिंट प्योर एसेंशियल ऑयल यूज कर रही हूँ। आप मेरा एसेंशियल ऑयल का बनाने का मेथड देख के मिंट के लीव्स यानी पुदीने के पत्ते को यूज करके घर पे भी एसेंशियल ऑयल बना सकते हैं। ये मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको डालने का रीजन ये है कि मिंट बहुत ही कूलिंग होता है और ठंडक पहुंचाता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सीरम को लिक्विफाई करने के लिए हमें कोई लिक्विड चाहिए होगा, तो गुलाब जल बेस्ट ऑप्शन होता है। और लास्टली मैंने लिया है छोटा सा क्लीन ग्लास कंटेनर जिसमें मैं सीरम को स्टोर करूंगी। इस ग्लो सीरम को बनाने के लिए क्लीन बोल लें और सबसे पहले उसमें एक चम्मच दैट इज 1 टीस्पून सैंडलवुड ऑयल या चंदन का तेल डाल दें। अब इसमें 2 चुटकी केसर के डाल दें और फिर इसकी गुडनेस रिलीज होने के लिए इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। मैंने इसे 10 ही मिनट छोड़ा। आप चाहे तो और देर भी छोड़ सकते हैं, अराउंड हाफ एन आवर। फिर इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच गुलाब का जल और अच्छे से मिला लिया। अब इसमें डालना है 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का और अच्छे से मिला ले इसे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच खीरा का जेल यानी क्यूकम्बर जेल। अगर आप सिर्फ एक जेल यूज कर रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच यूज करें। लास्ट इंग्रेडिएंट बिल्कुल ऑप्शनल है, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल यानी पुदीने का तेल। आप 5 से 8 ड्रॉप डालें अगर आप यूज कर रहे हैं तो, और सारी चीजों को अच्छे से मिला लें। इस ग्लो जेल या सीरम को आप रात में लगाएं प्रेफरेबली, और ओवरनाइट इसे रहने दें और सुबह मुंह धो लें। आप चाहें तो इसे दिन में भी लगा सकते हैं, पर उसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाएं।
मैं अब ये ग्लो सीरम को ट्रांसफर कर लूंगी अपने छोटे से कंटेनर में। फाइनली आपका ग्लो सीरम बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप डेली यूज करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, और 2 से 3 हफ्तों में आप नोटिस करेंगे कि आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। इसमें खीरा है, पुदीना है, चंदन है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन कूलेंट्स है जो परफेक्ट है समर्स में यूज करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।